तो अब हम लोग बहुत सारे बॉडीज का धीरे धीरे एक एक करके वन बाय वन सबका मोमेंट ऑफ इनर्सिया सीखेंगे, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, जैसे ये रॉड है, पतला सा वायर, रिंग पढ़ेंगे, डिस्क पढ़ेंगे, स्फेयर पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना पढ़ना है हमको नीट के लिए और बोर्ड के लिए भी। कुछ कुछ चीज है जो नहीं है सिलेबस में, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ठीक है ना। और सिलेंडर का कुछ और केसेज है जो नहीं पूछता है, ठीक है ना, वो सब देखेंगे। अगर जानने की इच्छा रहेगी तो बता देंगे, ठीक है ना। मैं तो सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक। और डेरिवेशन भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। अगर इच्छा होगी तो हम डेरिवेशन भी, स्कूल बोर्ड में नीट में डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन सिर्फ जेई में ना डेरिवेशन करना है, ठीक है ना। नीट में डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूंगा, वो तुम्हारी इच्छा है, नोट करना है, सीखना है, करना, मैं बता जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले करते हैं हम लोग क्या, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म वायर, या क्या कह लें इसको हम, रॉड, ठीक है ना। ध्यान देना, यूनिफॉर्म से मेरा क्या मतलब रहता है। एग्जैक्टली, यूनिफॉर्म वर्ड से मेरा मतलब रहता है कि जो मास डेंसिटी है ना, दैट इज लैम्डा। लैम्डा क्या रहेगा बाबू, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। नीट में, बोर्ड में लैम्डा मोस्टली कांस्टेंट रहता है, जेई वाले में लैम्डा वेरिएबल रहेगा, तो उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग पांच केस पढ़ेंगे, ठीक है ना। कितना केस, पांच केस। तो पहले मैं बताने जा रहा हूँ केस वन, ठीक है। केस वन देखो बाबू, केस वन, रॉड का जो एक्सिस है ना वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो रॉड इज रोटेटिंग अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है, मैं ये भी बता सकता हूँ। मीन्स, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर या सेंटर ऑफ मास। क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे होगा, ये पढ़ रखे हैं ना हम लोग, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू दी रॉड, ठीक है ना। थिन का मतलब पता है ना, उसमें एरिया नहीं कंसिडर करना है, ठीक है। अब देखिए बाबू, मान लीजिए ये कोई रॉड है पतला सा, नजर आ रहा है, और कोई एक एक्सिस है, ठीक ना। ये देखो एक्सिस है, ये क्या है कि इसके मिडिल पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, मिड से जा रहा है, और इसके अबाउट ये बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। इसका मिड पॉइंट है, तो इसके अबाउट अगर ये रॉड घूमेगा, रॉड का जो मास है ना, रॉड का मास ले लो आप, क्या ले लो, एम, रॉड का लेंथ क्या ले लो, एल। तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। और अगर इसका रेडियस ऑफ डायरेक्शन चेक करना है तो कल पढ़ाए थे अंडर रूट आई बाई एम, आई बाई एम क्या बचेगा, एल स्क्वायर बाई 12, 12, तो ये आ जाएगा एल बाई अंडर रूट 12। ये हो गया, इतना से नीट का सवाल
बन जाएगा। अब इसका डेरिवेशन बता दें, है इच्छा जानने का तो बोलो, बता देते हैं तो ठीक है। अब इसका डेरिवेशन बता रहे हैं, उससे क्वेश्चन बनाने या ना बनाने में कोई फर्क नहीं आने वाला, तो इसको नॉलेज के लिए खाली सीख लो, ठीक है। देखो मान लो एक्सिस से हम कुछ दूर गए, कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस दूर गए, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए जिसका कि विड्थ कितना है डी एक्स, ये वाला जिसको बाउंड्री में घेर दिया, दिखाई दे रहा है, इसका जो मास होगा वो क्या होगा डीएम, तो डीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा डीएक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना लैम्डा इक्वल टू पढ़ाए हैं हम, लैम्डा इक्वल टू हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं डीएम बाई डीएक्स, या ये भी पढ़ाए हैं कि लैम्डा इक्वल टू एम बाई एल लिखा जा सकता है अगर लैम्डा क्या है कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो डीएम बराबर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ डीएक्स, राइट, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो पार्टिकल है ये रॉड के कान ऐसे ऐसे रोटेट करेगा ना गोल गोल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिख सकते हैं, पता ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं हम, डीएम इंटू डीएम इंटू इंटीग्रल डीएम इंटू एक्स स्क्वायर कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। ये बताओ एक्स का लिमिट कहां से कहां होना चाहिए, इस एंड से शुरू करके इस एंड तक जाएंगे, बीच का कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का कोऑर्डिनेट क्या लेना माइनस एल बाई टू, और राइट हैंड साइड का कोऑर्डिनेट क्या लेना प्लस एल बाई टू, ठीक है। तो एक्स का लिमिट हो गया राइट, अब बस इंटीग्रेट कर देना है, डीएम को क्या लिख दें लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है, तो लैम्डा इंटू आ गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बहुत आसान इंटीग्रेशन है, लैम्डा कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर कर दिए हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है ना, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, कोई दिक्कत नहीं, एक्स का लिमिट होगा माइनस एल बाई टू से लेकर के प्लस एल बाई टू तक, थ्री कॉन्स्टेंट है इसको बाहर कर लो, ये हो गया लैम्डा बाई थ्री। अब एक्स में लिमिट लगा दो, एल बाई टू का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा एल क्यूब बाई एट, और फिर माइनस एल बाई टू का भी क्यूब करेंगे तो वो भी एल क्यूब बाई एट ही आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, यहाँ भी एक माइनस और अंदर भी एक माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस प्लस हो गया, तो इसको लिख सकते हैं एल क्यूब बाई फोर लिख सकते हैं, दो बार ऐड कर देंगे, अच्छा लैम्डा को चाहे तो लिख सकते हैं एम बाई एल, और इसको ऐड यदि कर दिए तो आ जाएगा एल क्यूब बाई फोर। अब ये देखो एक एल से एक एल क्या हो गया कैंसिल, तो हेंस यू गॉट द आंसर एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, समझी क्या, क्लियर है, देखो इसी कैलकुलेशन को एक और तरीके से कर सकते थे, यहां दिख रहा ना लैम्डा इंटू एक्स बाई थ्री, और लिमिट कहाँ है माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट को कर दो जीरो से एल बाई टू, ठीक है ना, और आगे एक नंबर मल्टीप्लाई कर दो टू, ये मैथमेटिक्स का रूल होता है इंटीग्रेशन का, कि लिमिट अगर एकदम सिमेट्रिकली है ना तो जीरो से आगे कर दो इंटीग्रेशन और टू मल्टीप्लाई कर दो, इससे देखो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम प्रूव कर दे रहे हैं, तो हो गया टू बाई थ्री लैमडा और एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर एक्स का पावर थ्री है ना, एक्स का पावर थ्री है, यहाँ पर एल बाई टू पुट करेंगे
कितना आ जाएगा एल का पावर 3/8, फिर ये 2 से 8 कैंसिल होगा ना, ये आ जाएगा लैम्डा इंटू एल क्यूब बाय 12, 4 × 3, और फिर लैम्डा का वैल्यू लिख दो एम बाई एल, एक एल कैंसिल हो जाएगा। इससे देखो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये दोनों तरीका होता है इसी को सेम डेरिवेशन को प्रूफ करने का, ठीक है, समझ गए। देखो अब सेकेंड केस की ओर हम चल रहे हैं, मेन एक्सिस को समझना है, ठीक ना। देखो इस बार जो एक्सिस है वो पास तो सेंटर से ही करेगा, देखो सेंटर से पास कर रहा है ये वाला एक्सिस, बट ये रॉड पे परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक ना, ये वाला एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर नहीं है। तो अभी हमारा यही वाला काम है, इस वाले एक्सिस के अबाउट हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या, हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब, जब रॉड इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, बट ये चीज रॉड पे परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है ना। तो रॉड इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड मेकिंग सम एंगल विथ रॉड, ठीक है। इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट दे रहे हैं, पहले मान लो ये एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल क्या अगर थीटा है, तो ये जो रिजल्ट है ना इसमें खाली एक लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यही इसका फॉर्मूला है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना नीट में नहीं कोई पूछा है, लेकिन जेई वगैरह में पूछता है, और तुम्हारा कोचिंग का जो किताब है ना उसमें भी होगा ये, इसलिए इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसका प्रूफ चाहिए, ठीक है ना, तो मैं बता दे रहा हूं। देखो इसका प्रूफ कैसे निकालेंगे, ये जो हम इंटीग्रेशन करते हैं ना dmx स्क्वायर, ये x के बारे में क्या पता है, एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, याद है। तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है हमें खाली, सो उसको समझते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डाल देना होगा, ठीक है। अब ये देखो ये जो लेंथ है ये एक्स है, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा, और ये जो लेंथ है ये वाला लेंथ हो जाएगा एक्स साइन थीटा, हो जाएगा, बोलो। तो परपेंडिकुलर लेंथ एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये एक्स साइन थीटा है, क्योंकि ये एक्सिस है और इसका यहां से डिस्टेंस है एक्स साइन थीटा, मैंने जहां पर एक्स लिखे थे ना सारे जगहों पे, खाली एक्स के जगह पे क्या लिख देना हमको, एक्स साइन थीटा, बस इतना लिखेंगे पूरा ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो तुम
सेम टू सेम डेरिवेशन भी था, खाली एक्स की जगह पर एक्स साइन स्क्वायर थीटा रखना था, बाकी वैसे ही कर दिए हैं। आंसर भी मिल चुका है, देख लो, एम एल स्क्वायर बाय 12 साइन स्क्वायर थीटा लिखी हो। देखो केस थ्री अब हम जा रहे हैं पढ़ने। अब हम निकाल रहे हैं ऐसा, रॉड इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एंड, पासिंग थ्रू एंड एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। ठीक है, देखो बच्चे, मान लो ये कोई रॉड है, दिख रहा है, और कोई एक एक्सिस है यहाँ पे। ये एक्सिस देखो रॉड के एंड से जा रहा है और रॉड पर क्या है, परपेंडिकुलर। इसके अबाउट ये रॉड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसे। जैसे ये है ना पेन, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है या ऊपर नीचे, तो क्या एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे। तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बाबू, इसका फॉर्मूला होगा आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, इसका प्रूफ दो तरीके से हम दे सकते हैं, एक इंटीग्रेशन वाला और एक बिना इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला तो चलो छोड़ भी सकती हो तुम, लेकिन बिना इंटीग्रेशन वाला नहीं छोड़ना है। तो पहले बिना इंटीग्रेशन वाला बता देते हैं, ठीक है, उसको लिख भी लेना है, ठीक ना। देखो बाबू, हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़े थे क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये होता था कि एक एक्सिस होता है जो कहां से गुजर रहा होता है, सेंटर ऑफ मास से। मान लिया इसका नाम क्या है बाबू, ए बी, ठीक, और एक एक्सिस है जिसका नाम क्या है, सी डी। ये सी डी इस वाले एक्सिस के पैरेलल है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस, इसको डी मानते हैं। क्या ये डी एल बाई टू के बराबर है? तो देखो हमने पढ़ा था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, याद आया? तो इसके अबाउट हमने आईसीएम अभी जस्ट पढ़ा है, पहला वाला केस वो कितना था, फर्स्ट केस में पढ़े थे एमएल स्क्वायर बाय 12 और एमडी स्क्वायर की जगह पीस को रख दो ना, एमएल एम इनटू एल बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एमएल स्क्वायर बाय 12 अब प्लस एमएल स्क्वायर बाय 4, इसमें 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इससे क्या हो जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा, यहां भी 12 है, आराम से ऐड कर सकते हैं इसे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर इंटू 3 बाय 12, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लो, ऊपर कितना आ जाएगा 4 एम एल स्क्वायर बाय 12, 4 से 12 कट कर दो, आ गया आंसर, हेंस प्रूव्ड एम एल स्क्वायर बाय 3। ठीक है ना, इसी को इंटीग्रेशन मेथड से अगर प्रूफ करना रहता ना, तो देखो वो मैं बता दे रहा हूं कैसे इसको किया जा सकता था। मान लो ये कोई रॉड है, ठीक है, और हमने एक एक्सिस ले लिया जो कि इसके एंड पॉइंट से जा रहा है, परपेंडिकुलर होगा। यहां से मान लो एक्स के डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लेंगे जिसका मास डीएम बराबर क्या लिखेंगे, हम
लैम्डा इंटू डी एक्स, और इसका लेंथ क्या है डी एक्स इस एलिमेंट का, ठीक है। एक्स का जो लिमिट होगा इस बार लेना पड़ेगा जीरो से लेकर एल तक। एक्स का लिमिट कहां से कहां तक लेना है, जीरो से लेकर एल तक, इस किनारा से इस किनारा तक जाना है। बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं, अभी जो डिराइव किए तो वैसे ही हो जाएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एम इंटू एक्स स्क्वायर जीरो से एल, डी एम को लिखना है लैम्डा डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो से एल, लैम्डा कॉन्स्टेंट है बाहर कर दो, लैम्डा का मतलब था मास पर यूनिट लेंथ बाहर हो गया। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, और यहाँ पर लिमिट पुट कर लो, ये आ जाएगा एम बाई थ्री एल इंटू एल क्यूब, एल क्यूब माइनस जीरो आएगा, जीरो को नहीं लिखे हैं, अब एल से एल कैंसिल हो गया, आ गया एम एल स्क्वायर बाई थ्री, ठीक है ना। तो देखो अभी इस बार क्या है एक्सिस, एक्सिस ये है यहां से दिख रहा है, एक्सिस कैसे है, एक्सिस एंड से जा तो रहा है बट ये एक्सिस रॉड के साथ कुछ एंगल बना के रखे हुए हैं, ठीक है ना, और इसके अबाउट ये रॉड रोटेट कर रहा है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो दो तरीका है, इंटीग्रेशन वाला और बिना इंटीग्रेशन वाला। देखो बिना इंटीग्रेशन वाला जान लो समझ लो और नोट भी कर लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है नोट करना। तो देखो कुछ देर पहले ये वाला एक्सरसाइज डिस्कस किए थे, बताना जो सेंटर से जाता है और रॉड पे परपेंडिकुलर रहता है, याद है ना, इसके अबाउट इनर्शिया डिस्कस कर दिए थे ना। इसका नाम अगर ए बी है और इसका नाम अगर क्या है सी डी है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है एल बाई टू, यहां से परपेंडिकुलर डालो, ठीक है ना। तो ये अगर एल बाई टू है, ये एंगल हो जाएगा थीटा, इधर वाला लेंथ क्या हो जाएगा एल बाई टू कॉस थीटा, और ये जो लेंथ है ये हो जाएगा एल बाई टू साइन थीटा। दोनों एक्सिस के बीच का दूरी जो है ना वो यही वाला है जो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लिखा करते हैं ना डी, वो डी यही है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं। अब पैरेलल एक्सिस लगा देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस सी डी बराबर आई सी एम प्लस करना होगा एम डी स्क्वायर, आई सी एम हमने पढ़ा हुआ है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व साइन स्क्वायर थीटा, और डी के जगह पे लिखना है एल बाई टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। इन दोनों को सॉल्व कर लो, अगेन सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, ठीक ना, एम एल स्क्वायर बाई थ्री और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यही चीज इंटीग्रेशन से प्रूफ करना होता तो कुछ खास नहीं, एक्स के जगह पर क्या करना पड़ेगा, एक्स का एक कंपोनेंट आ जाएगा साइन थीटा वाला, देखो ये एक्सिस है, ठीक है, परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा यहां से, तो
इस जगह पे एक्सिस से जो एलिमेंट का डिस्टेंस है ये, इसको कहेंगे हम एक्स साइन थीटा, और बाकी सारा प्रोसेस वैसे है, सेम टू सेम, सब जगह एक्स साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या करना है, एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर, बाकी सारा रिजल्ट सेम टू सेम है, ठीक है ना। डीएम की जगह लिख दो लैम्डा इंटू डी एक्स, ये है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 to L, और इंटीग्रेट कर लो। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट आंसर, ये आ ही जाएगा एम स्क्वायर बाई थ्री साइन स्क्वायर थीटा। बाकी तो भी बहुत कुछ बाकी है, देखो ये लास्ट केस है। मान लो ये एक्सिस है, ठीक ना, और ये मान लो कोई वायर है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है इसके चारों ओर, ठीक है, समझी, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है लास्ट केस। ये बहुत ही सिंपल सा है, जैसे मान लो ये कोई एक्सिस है और ये कोई रॉड है, ये क्या कर रहा है, इसके चारों ओर ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक ना, इस तरह से। तो मान लो ये डिस्टेंस कितना है, सपोज एक्स है, इसमें एक एलिमेंट अगर कट करें जिसका मास क्या होगा, डीएम, तो इसका भी एक्सिस से डिस्टेंस कितना ही होगा, एक्स होगा। तो इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। यहां पर एक्स जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो क्या आंसर आएगा, इंटीग्रेशन डीएम बराबर जस्ट एम एक्स स्क्वायर, हो गया, इतना सा इसका आंसर है, ठीक है। ठीक है, देखो ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, बोलो, तो इसमें चार रॉड लगा हुआ है, यही है ना, एक ये रॉड है, दूसरा रॉड ये है, तीसरा रॉड ये है, चौथा रॉड ये है, हर एक रॉड का मास एम है और लेंथ क्या है एल, ठीक है ना, 4 rods ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, क्या कर रहा है, मेक ए स्क्वायर, है ना, ये 2009 का सवाल है ना, नीट का ही है, ठीक है। एक्सिस ये दिया हुआ है, एक्सिस कहां से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, एक्सिस क्या कर रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब सवाल क्या है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, बहुत इजी सवाल है, 5 सेकंड से कम लगेगा बनाने में, बना लो। सबसे पहले एक्सिस पहचानो, सेंटर से जा रहा है और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ये पेन दिख रहा है ना मेरा, यही एक्सिस है, ठीक है, इसी के अबाउट फिगर क्या करेगा,
रोटेट करेगा, ठीक ना। तो इसी के बाद क्या चाहिए हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो देखो रॉड का पहले अपने एक्सिस के वॉट निकालो। हमारे पास चार रॉड है, ए बी सी डी, और सेंटर को क्या मान लो, ई मान लो, ठीक है। रॉड का जो मिड पॉइंट है ना, इसको एफ मान लो, ठीक है ना। तो रॉड का जो मिड पॉइंट है उसके अबाउट इनर्शिया, एक एक्सिस जो मिड पॉइंट से जा रहा है, और इस पेन को देख रही हो, ये एक्सिस जो है रॉड के मिड पॉइंट से जा रहा है और इसके लेंथ पर परपेंडिकुलर है ना, तो एफ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, क्या वो एम एल स्क्वायर बाई 12 आएगा एक रॉड का, बताओ। ठीक है, अब एफ और ई ये दोनों पेन का जो दिख रहा है ना एक्सिस, ये दोनों आपस में पैरेलल है, बोलो। नहीं देखो, फिर से समझाते हैं, ये देखो, अब देखो, अब दिख रहा है ये दोनों एक्सिस क्या है, आपस में पैरेलल है। तो अगर E के अबाउट हमको यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होता E के अबाउट, तो हम लोग क्या लगा देते, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर लगा सकते हैं। इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, L बाई टू होगा, होगा ना। हाँ, अब इन दोनों का जो सम करेंगे तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि आएगा कितना, एम एल स्क्वायर बाई थ्री आएगा। तो ये तो एक रॉड का है, ऐसा ऐसा कितना रॉड है, एक दो तीन चार, है ना। तो चारों रॉड का करना है तो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम के लिए मल्टीप्लाइड बाई फोर करना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा ना। चार गो रॉड है, दिस इनटू कितना आ जाएगा, फोर, यही आंसर है, ठीक है, क्लियर। नोट कर लो, अभी मैंने यहाँ पे अपने तरफ से चाहूँ तो 5-6 सवाल इसी में बता सकता हूँ, मैं बता भी दूंगा ताकि कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसको नोट करो पहले, देखो ये तो जो था नीट ने पूछा था, अब हम अपना तरफ से काफ़ी कुछ समझा देते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग जो इनर्शिया निकाले हैं किसके अबाउट निकाले हैं, पॉइंट ई के अबाउट। ये पॉइंट ई जो है पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी है ना, ठीक है। अगला मेरा सवाल है कि चार रॉड ऐसे ही कनेक्टेड है जो कि स्क्वायर बना रहा है ना। अब इस लाइन को बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। हम एक्सिस बताते हैं, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पहले क्या था, सेंटर था। हम कह रहे हैं कि हो सकता है ए से पास करे, या बी से पास करे, या सी से पास करे, या डी से पास करे, चारों केस में आंसर सेम आएगा, क्वेश्चन भी सेम है। देख लो मैं दिखा देता हूं, अगर ए से पास करेगा तो ऐसे एक्सिस होगा, होगा। बी से करेगा तो ऐसे होगा, सी से करेगा तो ऐसे होगा, और डी से करेगा तो ऐसे होगा, होगा। चारों केस में क्वेश्चन सेम है और आंसर भी क्या आएगा, सेम, ठीक है ना। तो हम उसको बना देते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना, हम इसको मिटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है ना, बट याद रखना, ठीक है, कॉपी में तो लिखा हुआ है ही। अभी देखो हम किसी एक के अबाउट निकाल देते हैं, ए या बी या सी या डी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सारा सवाल एक ही है, ठीक ना। जैसे मैं ए के अबाउट निकाल के दिखाता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। पॉइंट ए पर देखें, ठीक है ना, तो ये रॉड का ये किनारा है क्या, ए बी रॉड का, है ना। ये जो रॉड है ए ए डी, इस रॉड का भी ये किनारा ही है क्या, लेकिन जो बीसी रॉड है उसके लिए किनारा तो नहीं है,
सीडी का भी नहीं है, तो इन दोनों के लिए लगाना पड़ेगा हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। क्या लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो ये जो सीडी रॉड है ना, सीडी रॉड का मिड पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे? यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? L by 2, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? L। तो ये वाला लेंथ हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर बाय 4, तो ये आ जाएगा 5L स्क्वायर बाय 4, और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो रूट 5 आ जाएगा ना। तो उसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, इधर हम लिख दे रहे हैं इसका लेंथ हो जाएगा रूट 5L बाई 2। उसी तरह से ये जो मिड पॉइंट होगा, यहां से भी जो ये डिस्टेंस है ना, ये भी कितना होगा? सेम टू सेम रूट 5L बाई 2 होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये एक अबाउट हमको इनर्शिया चाहिए, ये रॉड है, रॉड का ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला, ये इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है और लेंथ पर परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट इनर्शिया क्या होगा? एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा, 12। यहां से यहां लगा देना है पैरेलल एक्सिस, ठीक है, सेम टू सेम रॉड सीडी का ये वाला एक्सिस क्या है? ओन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। यहां से यहां क्या लगा देना है? पैरेलल एक्सिस, दिख रहा है? तो ये दोनों का एक तरह से निकलेगा और ये दोनों का एक तरह से निकलेगा, ठीक है ना। तो देखो, पहले हम बात कर रहे हैं रॉड एबी का, रॉड एबी के लिए एंड पॉइंट का काम कर रहा है, तो एंड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या था? एम एल स्क्वायर बाई 3 था। रॉड एडी का बात करो, एडी भी इसके लिए एंड पॉइंट है, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला एम एल स्क्वायर बाई 3, तो ट्वाइस कर दें। बोलो, अब हम बीसी वाले रॉड का बात कर रहे हैं, तो बीसी वाले रॉड के लिए फार्मूला लगेगा एम एल स्क्वायर बाई 12 और प्लस एम डी स्क्वायर, डी का वैल्यू रूट 5L बाई 2, उसका स्क्वायर कर लो, उसका स्क्वायर कितना आएगा? हाँ, इतना आ जाएगा। और ये जो प्रोसेस होगा दो रॉड के लिए, बीसी के लिए भी होगा सेम प्रोसेस और सीडी के लिए भी होगा सेम ही प्रोसेस, तो दिस इनटू अगेन क्या कर लेते हैं? 2। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ए के अबाउट इनर्सिया 2/3 एम एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस 5/4 एम एल स्क्वायर। इसमें हम 3 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं क्या? इससे क्या फायदा होगा? नीचे 12 सेम आ जाएगा, नीचे 12 सेम आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा? 15। अब 15 एक 16 आ जाएगा, तो ये हो गया 2/3 एम एल स्क्वायर प्लस 16/12 एम एल स्क्वायर इंटू 2। और इसको कट कर लो, ये इससे कितनी बार में कट होगा? 6 टाइम्स, और एक बार कट हो जाएगा ना, 8/3। अब तो और सिंपल आ गया ना, 3 नीचे सेम है, 8 और 2 10 आ गया, दैट इज 10/3 एम एल स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लो। देखो, सेम क्वेश्चन को बनाने का एक दूसरा तरीका भी है मेरे पास, ठीक है ना। देखो, ये वही वाला फिगर है, ठीक ना, यहाँ सेम फिगर,
ये पॉइंट था ए बी सी डी और बीच में एक पॉइंट क्या था ई था, है ना। तो ई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, और क्या ये सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, बोलो। अब हमारा सवाल ये था कि या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी, किसी एक के अबाउट इनर्शिया चाहिए। तो देखो, तो अगर एक एक्सिस ये है ये वाला, और दूसरा अगर ए पर है जिसके पैरेलल है, या ये भी या ये भी या ये भी, कोई सा भी पैरेलल है, तो हम पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं डायरेक्ट ई और ए के बीच में। ये दूरी पता होना चाहिए, ये क्या एल बाय रूट टू हो जाएगा, डायगोनल का हाफ। तो इसको लिख लो एल बाय रूट टू, देखो शॉर्टकट में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये था कि पॉइंट ई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी पता होना चाहिए, जो कि पता है ना हमें, 4/3 ml², ये वाला हमको पता है ना। तो देखो आई ए बराबर लिख सकते हैं आई सेंटर ऑफ मास, जो कि कहां से गुजर रहा है, ई से गुजर, हाँ, प्लस एम डी स्क्वायर, और डी हमको पता लग चुका है कितना, एल बाई। तो देखो ये था 4/3 ml² प्लस ये एम जो बेसिकली है वो पूरे बॉडी का मास होता है ना, तो पूरे बॉडी का मास है कितना 4m, एल बाई रूट टू का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बाय टू आ जाएगा। देखो तो दोनों से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, एम एल स्क्वायर और 1/2 और 1/3 ये कॉमन है ना, मतलब बच जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 5/6 आ जाए, 4 × 5/6 ml². देखो तुम्हारा आंसर आ चुका है 20/6 यानी 10/3 आ गया ना सिमन सर, हैं? देखो इसी से एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, हमने ई पॉइंट के अबाउट इनर्शिया देखा है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, ए पर देखो या बी से देखो या सी से देखो या डी से, सेम आ रहा था। अब एक पॉइंट दे रहा हूँ एफ, हमें एफ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जो कि एक्सिस क्या एफ पॉइंट से जा रहा है और इसके प्लेन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, समझी क्या, आसान है, बना लोगी, बना सकती हो, बना पैरेलल एक्सिस। देखो तो यहां से समझना, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, एल बाई टू, तो ऐसे ही तो बनेगा यही वाला कंसेप्ट से, जहां एल बाई रूट टू था वहां पे खाली क्या हो जाएगा, एल बाई टू, दैट्स इट। तो आई एफ बराबर वही कर देंगे, आई ई जो कि क्या है सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, अब प्लस एम डी स्क्वायर, डी के जगह पर एल बाई टू का स्क्वायर, और मास यहाँ पे कितना लेना है, 4 times, 4 रोड है ना, बस अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ, तुम बना लेना खुद से, ठीक है। ये आ जाएगा 4/3 ml², यहाँ पे 4 कट जाएगा ना, बनाना क्या, बन ही गया, 4 + 3 कितना हो गया, 7/3 ml² है ना, नोट करो। देखो तो अगर ऐसा कुछ होता कि एक एक्सिस यहां से जा रहा होता इस जगह से और इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर होता, तब भी आंसर सेम होता, या अगर यहां से जा रहा होता इस पॉइंट से और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता, अगेन सेम आंसर, यहां से भी जाते रहता और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता, तो सेम आंसर, राइट। अब हम सवाल को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, देखो अब तक जो भी हम एक्सिस लिए हैं इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ही लिए हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कोई एक्सिस इस प्लेन में आ जाए। तो देखो अभी तो मैं ये एक्सिस दे रहा हूं, ये देखो ये एक्सिस कैसा है,
इसके प्लेन से गुजर रहा है ना, और क्या कर रहा है कि दो साइड्स को बाइसेक्ट करके जा रहा है। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या अगर सवाल ऐसा भी रहता कि एक्सिस यहां से गुजर रहा होता तो क्या अलग आंसर आता कि सेम ही आता? सेम ही आता। तो समझ जाओ तुम्हारा यही सवाल है, ठीक है ना। इसका नाम क्या लिए थे, एफ जी एच आर, ऐसे ले लो। या तो एफ जी के अबाउट आंसर निकालना है या एच आई के अबाउट आंसर निकालना है, आंसर आएगा सेम, ठीक है ना। इसको ट्राई करो बाबू, ठीक है। सवाल है अबाउट, ये एक्सिस लेना है, एक्सिस एच आई या एफ जी, ठीक है ना, जो कि क्या है स्क्वायर के प्लेन में है ना, है ना। एक्सिसेस आर इन द प्लेन ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। ट्राई करो, देखो यहां पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या अप्लाई करना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो बाबू, मान ले कि इस तरफ जो है ना कि क्या है एक्स एक्सिस है, और इस तरफ मान ले क्या है वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस जो होगा क्या होगा ऐसे बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो आई जेड बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं सिमेट्री से, बाई सिमेट्री जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट रहेगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट रहेगा, वाई के अबाउट। आई जेड जो है ये वही आई ई के बराबर है, ठीक है ना। आई जेड वाला आई ई के बराबर है, जो कि हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं पहले से, फोर बाई थ्री एम एल स्क्वायर इज इक्वल टू टू आई एक्स, तो आ गया। और क्या आई एक्स बराबर या आई वाई बराबर टू बाई थ्री एम एल स्क्वायर, ठीक है। इसको बनाने का मेरे पास एक और तरीका है, ठीक है ना। अगर हमको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगाना है तब, ठीक है ना। मान लो अगर हमको एफ जी के अबाउट देखना है या एच आई, किसी एक के अबाउट देखो, ठीक ना। किसके अबाउट देखना चाहते हो बोलो, बोलो ना। मान लो एफ जी के अबाउट देखना है तो यहीं से देखना, ये जो लाइन है इसके अबाउट इस रॉड का इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, इसका भी क्या होगा सी बी का एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, क्योंकि मिड पॉइंट से जा रहा है और रॉड पर क्या है परपेंडिकुलर, है ना। और ये रॉड यहां से कितनी दूरी पर है, एल बाई टू पे, और ये भी एल बाई टू पर है, ये वाली रॉड। तो जो हम पांचवा नंबर केस बताए थे ना एम एक्स स्क्वायर वाला, वो इस पे लग जाएगा क्योंकि एक्सिस के चारों ओर ऐसे ये घूमेगा। पांचवा केस जो हम बताए थे कि एक्सिस विच इज पैरेलल टू द रॉड, तो उसमें लग जाएगा आपका एम एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है ना। ये दो के लिए वैलिड है, इसके लिए और इसके लिए, जहां पर कि एक्स का वैल्यू है कितना, एक्स का वैल्यू है एल बाई टू, है ना। अब बाकी ये दोनों जो रडवा है उसके लिए लग जाएगा एम एल स्क्वायर बाई बारह, ये भी कितना के लिए, दो के लिए वैलिड है, इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो साफ साफ दिख रहा है इसका और इसका सम एम एल स्क्वायर बाई थ्री आता था, और उसमें दो गुना कर देना है तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू टू टाइम्स। ऐसे भी बन सकता है, दोनों मेथड से बन सकता है, ठीक है। छाप लो। अब एक आखिरी सवाल रह गया है। मान लो कि ये डायगोनल है ना, इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ देता, ठीक है, या इसके अबाउट नहीं, तो ये भी तो डायगोनल ही है ना,
इसके बाद पूछ देता था, ठीक है ना। अब ये आखिरी सवाल है इस फिगर से रिलेटेड। ए बी सी डी और ई, ई से क्या पास कर रहा है? जेड एक्सिस, ये ऑलरेडी नो, ठीक है ना। अब हमको डायगोनल ए सी या डायगोनल बी डी के अबाउट निकालना है, ठीक है ना, है ना। ग्रेट, परपेंडिकुलर ऐसे थ्योरम ही लगाना था, बन जाएगा, बना लो जल्दी से फटाफट। एक्सिस आप ले लो क्या ए सी, या फिर क्या ले लो बी डी ले लो, ठीक है ना। बनाने का वही तरीका है, परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, जल्दी से बना लो। फिर से मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि इधर क्या है एक्स एक्सिस है, इधर क्या है वाई एक्सिस, और ये वाला हो गया जेड एक्सिस। तो फिर से आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, बाई सिमेट्री फिर से आई एक्स और आई वाई क्या होगा सेम ही होगा, और आई जेड आई ई के बराबर है, दैट इज 4ml² / 3। और आपका आंसर आ चुका है आई एक्स इक्वल टू 2/3 ml², ठीक है। इसको बनाने का मेरे पास एक और तरीका है, बता दूं। ये एंगल 45 है क्या? ऐसे ये सारा ही एंगल कितना है? 45, ठीक है ना। हमको एक एक्सिस चुन लेते हैं, बताओ कौन सा चुने, ए सी कि बी डी? ए सी चुन लें। तो ए सी के अबाउट अगर हम चलेंगे, ये देखो, तो उसके लिए इसका ये जो एक्सिस है कुछ एंगल पे जा रहा है, राइट, और इसके एंड से भी जा रहा है, राइट। तो उसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे, ml² / 3 और sin² θ ऐसे बताए थे, याद करो, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर हम बात एसी का कर रहे हैं तो इस वाले रॉड के लिए ये एंड पॉइंट है, इस वाले रॉड के लिए भी क्या एंड पॉइंट है, इस वाले रॉड के लिए भी क्या एंड पॉइंट है, और इस वाले रॉड के लिए भी क्या हो गया यहां से सी पॉइंट एंड पॉइंट हो जाएगा। यानी कि जो हम लिखे हैं उसमें कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए हमको, 4 लिख कर दे, देखो तब भी आ जाएगा आंसर, इनटू 4 आ गया आंसर। देखो तो ml² / 3 sin² 45 1/2 आ जाएगा, सेम आंसर। तो दो दो तरीका बता दिए हैं, ठीक है।